नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज बात करते हैं हम किडनी में स्वेलिंग यानी कि सूजन के बारे में। किडनी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम आजकल लोगों के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। कोई ना कोई किडनी में स्वेलिंग से सफ़र कर रहा है। तो किडनी में स्वेलिंग के पीछे का क्या रीज़न है, आखिर क्यों होता है? तो अगर हम पहला रीज़न देखें किडनी में स्वेलिंग का, तो वो क्या हो सकता है कि ब्लॉकेज हो सकता है। जैसे कि किडनी में ब्लॉकेज हो या यूरेथ्रा में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो गया हो, तो उसके वजह से भी किडनी के ऊपर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लॉकेज क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? या तो किडनी में स्टोन हो रहा है, या तो यूरेथ्रा में स्टोन होने की वजह से हो रहा है, या किसी सर्जरी यानी कि सर्जरी के बाद कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के वजह से किडनी के ऊपर स्वेलिंग आ रही है। जब किडनी के ऊपर स्वेलिंग आती है तो क्या होगा? जो किडनी है हमारा काम क्या करती है, बॉडी में से उसका काम क्या है, हमारे ऑर्गन्स जो है किडनी का वो आखिर क्या काम करती है? वो प्यूरिफिकेशन का काम करती है। जब किडनी या यूरेथ्रा में ब्लॉकेज के वजह से, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो या किसी तरीके की सर्जरी के बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या होगा कि जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में ना जाके कहाँ जा रहा है, वो ब्लॉकेज के ऊपर ही इकट्ठा होता जा रहा है। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि क्रिएटिनिन और यूरिया जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और किडनी के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिल रही है। अगर किडनी के ऊपर किसी भी तरीके की ब्लॉकेज के वजह से अगर स्वेलिंग आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अगर यूरेथ्रा में किसी किडनी के साथ साथ अगर यूरेथ्रा में भी ब्लॉकेज आ रहा है, चाहे वो स्टोन हो, चाहे किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो अगर हमारे किडनी के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसके वजह से यूरिया और क्रिएटिनिन आपके बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है। जब यूरिया और क्रिएटिनिन हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होने लगता है, तो हमारे सिम्टम्स क्या क्या हमारे बॉडी पे आते हैं? नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, पेट में दर्द होता है। तो अगर हमें स्वेलिंग किसी भी कारण से आ रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर स्टोन है तो स्टोन को रिमूव करना होता है। अगर स्टोन रिमूव हो गया तो भी आपको मेडिकेशन कुछ टाइम के लिए लेनी होती है, जिससे दोबारा से आपके किडनी में या यूरेथ्रा में किसी तरीके का स्टोन दोबारा से या ब्लॉकेज होने के चांसेस ना बने। और दूसरी बात, अगर आपको स्टोन है या आप बीपी के पेशेंट हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपना बीपी मैनेज करना है, शुगर मैनेज करना है, आपको टाइम टू टाइम अपनी मेडिकेशन लेनी है, मेडिकेशन के साथ साथ आपको डाइट फॉलो करना है, आपको योगा और मेडिटेशन करना है, और आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां जो है वो हम आसानी से उनको क्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेडिकेशन और साथ ही साथ आपको डाइट भी फॉलो करना होगा। तो ये रही बात किडनी में अगर स्वेलिंग आ रही है तो आपको क्या करना है। तो अगर कोई भी पेशेंट अगर किडनी से सफ़र कर रहा हो या किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन उनसे अपनी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं, तो आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।